मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ में उनकी ही घेराबंदी करने के लिए बीजेपी ने अपने करीबी दिग्गजों को इसकी कमान सौंपी है। कौन है वह दिग्गज नेता जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को छिंदवाड़ा में जीत का मंत्र दिया और साथ ही साथ पार्टी के कई ऐसे नेताओं को मनाने की कोशिश की कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा के बाद जिनके विरोधी सुर सुनाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है वह रूठे नेता जिनको प्रदेश के बाहरी नेतृत्व द्वारा मनाया जा रहा है लेकिन फिर भी वह मान नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं रिधिया, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। दरअसल छिंदवाड़ा में बीजेपी के टिकट के लिए कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा होने के बाद विरोध होने लगा। कई रूठे नेता दिग्गज नेताओं के मनाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। इनमें उत्तम ठाकुर, ताराचंद बावरिया और आशीष ठाकुर के नाम शामिल हैं। खासकर परासिया में ज्योति डहरिया की टिकट से नाराज पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया मानने को तैयार नहीं हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता ने उनके घर आकर मनाने के बाद भी उनकी नाराजगी जाहिर की रही। इसी तरह से जुन्नारदेव से युवा नेता आशीष ठाकुर और अमरवाड़ा के विधानसभा प्रभारी उत्तम सिंह भी नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार के डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी बावरिया के निवास पर पहुंचे। मोदी बावरिया को मनाने और कार्यकर्ता सम्मेलन में ले जाने के लिए आए थे लेकिन उन्होंने उनसे भी दो टूक शब्दों में जवाब देते हुए जाने से मना कर दिया। सुशील मोदी के बाद सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि भी उनके निवास पर पहुंचे लेकिन महामंत्री को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। ताराचंद बावरिया ने उन्हें भी दो टूक शब्दों में यह कहकर बेरंग लौटा दिया कि वह विधानसभा चुनाव में काम नहीं करेंगे, हालांकि लोकसभा चुनाव में वह जरूर प्रचार करेंगे। यही हाल जुन्नारदेव में भी देखने को मिला। टिकट ना मिलने से नाराज आशीष ठाकुर नथिन शाह के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं। वह अब नई रणनीति बना रहे हैं। उन्हें भी सुशील मोदी ने मनाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने। अमरवाड़ा में उत्तम ठाकुर के समर्थक भी मोनिका के विरोध में आंदोलन कर चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी में टिकट वितरण के बाद ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यदि यही हाल चुनाव तक रहा तो बीजेपी को विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी का 3 दिनों तक छिंदवाड़ा में डेरा डाला रहा जिसमें उन्होंने रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश की लेकिन वह इस कोशिश में कामयाब ना हो सके। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान सुशील मोदी के साथ साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और कर्नाटक के बीजेपी नेता सीटी रवि मौजूद रहे। यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह तीनों असंतुष्ट नेता बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों की टेंशन बढ़ा सकते हैं। बहरहाल बीजेपी की तरफ से टिकट दिए गए उम्मीदवारों को पार्टी के लोगों का ही विरोध देखने को मिल रहा है। इन विरोधियों को मनाने में बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालात यह है कि संगठन के बड़े नेताओं से भी ये नेता नहीं मान रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।